जो राष्ट्रपति शासन लागू हुंदा है ना तां भी वही अफसर हुंदे ने और जो पार्टी सेंटर दे विच हुंदी है उन्हां दा राज हो जांदा है इनडायरेक्टली। जेकर राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ठीक है कि नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो उन्होंने नाल रल गए ने वो अपनी मनमानी करेंगे, तो हर पासे अराजकता की स्थिति रहेगी। राष्ट्रपति शासन की जड़ी मांग हुई सी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम तो ही चलती आ रही है। देखो हुंदा की है कि जो प्रधानमंत्री होंगे ने, राष्ट्रपति होंगे ने, जां किसी स्टेट के गवर्नर होंगे ने, जां किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे ने, किसी होर स्टेट के बीच जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल होंदा है जी, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट, वो गवर्नर, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होंदा है। जदों चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ओहदे ते आ गए तो सारे दे हो जाते हैं, तो उन्हों का मान सत्कार, उन्हों की सिक्योरिटी करनी, यह सारा स्टेट गवर्नमेंट का काम होंदा है, उस दे उते कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। नहीं देखो बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी मैं तो देखो जो प्रोटोकॉल की गल है मैं वो कर रहा हाँ जी। जदों सरकार है ही नहीं, सरकार ना दी चीज़ ही नहीं है, सरकार एग्जिस्ट नहीं कर दी है, तो भावें जो मांग कर लो, असी तो कोई मांग करते नहीं ना जी, असी मांग नहीं करते क्योंकि ना ये उस जोगे ने कि असी मांग कर सकिए, ना असी उम्मीद कर सकते। चुनाव सिर पर खड़े हैं, उसको लेकर क्या स्टंट हो रहा है कि इलेक्शन होना चाहिए है जी। देखो असी राष्ट्रपति शासन लागू करके होवे जा वैसे होवे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे टाइम राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए सी, और राष्ट्रपति शासन दे तहत, सुनो तो सही मेरी गल पूरी हो लें दो, जो राष्ट्रपति शासन लागू हुंदा है ना तां भी वही अफसर हुंदे ने जी, और जो पार्टी सेंटर दे विच हुंदी है उन्हां दा राज हो जांदा है इनडायरेक्टली। जो पार्टी सेंटर दे विच हुंदी है उस पार्टी दा राज इनडायरेक्टली हो जांदा है, ते जदों नॉर्मल जिहड़ी सरकार हुंदी है उस दे विच उस पार्टी दा राज हुंदा है जिस दा चीफ मिनिस्टर हुंदा है, ते राष्ट्रपति राज होवे जां ए जो सो कॉल्ड लोकप्रिय सरकार है ए होवे, करना तो इन्होंने मनमानी है। जेकर ये सरकार रहेगी तो कांग्रेस वाले अपनी मनमानी करेंगे, जेकर राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ठीक है कि नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो उन्होंने नाल रल गए ने वो अपनी मनमानी करेंगे जी, तो हर पासे अराजकता की स्थिति रहेगी। तो राष्ट्रपति शासन की जड़ी मांग हुई सी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम तो ही चलती आ रही है, तो हुण भी जेकर मान लो ऑनेस्ट राष्ट्रपति शासन लागू करना है ना ऑनेस्टली, तो फिर बिल्कुल निष्पक्ष इलेक्शन कराने वास्ते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने वास्ते एक वधिया सिस्टम बना दें जी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का मतलब क्यों होंदा है गवर्नर रूल, गवर्नर रूल का मतलब क्यों होंदा है उस पार्टी का शासन जो पार्टी सेंटर दे विच सरकार चला रही है, तो फिर वो बीजेपी का हो जाएगा, तो बीजेपी दे नाल की होगा वो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का हो जाऊगा, तो वो समाधान नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि राष्ट्रपति शासन लागू कराओ या इस सरकार दे विच कराओ, फ्री एंड फेयर कराओ, और ये जो मतलब सारा कुछ ये कर रहे ने लोगों डराना, लोगों मतलब इलेक्शन तो मतलब वो करना, टेंशन डाइवर्ट करना, ये सारा काम नहीं होना चाहिए। तर्ज पर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी महिलाओं के बच्चियों लिए काफ़ी जड़े ऐलान किए ने। देखो उन्हां दी सरकार है वो आज ही लागू कर सकते हैं जी, असी चैलेंज करते हैं कि सरकार तुहाडी है, तुसी जो 2022 दे इलेक्शन तो बाद करना चाहते हो वो आज करके दिखा दो। उन्हां दे चीफ मिनिस्टर का भी बयान आ गया है, नवजोत सिद्धू कुछ बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, तो जो करना है ना तो तुसी हुणे कर दो, फिर असी कहांगे। नकल करनी है तो नकल आज तो ही शुरू कर दो, नकल बाद दे विच क्यों करोगे, नकल आज तो शुरू करो। नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया कौर जी भी कहते थे डेढ़ साल किसान बैठे थे बरूहां ते दिले दिया, जे 15 मिनट प्रधानमंत्री नु भी जे उड़ीकना पिया ते हंगामा लो करदे। देखो नवजोत सिंह सिद्धू पहला उसे प्रधानमंत्री दी मतलब देखो मुक्त कंठ तो प्रशंसा करदे सी, वही प्रधानमंत्री, वही चीज़ हुण जिहड़े कांग्रेस दे हाई कमांड ने उन्हां दी करदे ने, तो इस करके उन्हां दे बारे में कोई टिप्पणी नहीं करांगा, उन्हां दे कहण दा की मतलब ही नहीं है कोई, क्योंकि आज कुछ कह रहे ने, कल कुछ कह रहे सीगे, आने वाले कल दे विच कुछ होर कहणगे, तो उन्हां दा जो कहना है ना जी वो अपनी पार्टी ही नहीं स्वीकार कर रही है, उन्हां दी अपनी सरकार ही नहीं स्वीकार कर रही है, तो साडे कमेंट्स दा तो कोई मतलब ही नहीं। हजारां करोड़ां दे विकास कामां दा उन्हां नूं उद्घाटन करना सी, क्या समझ? देखो जदों भी विकास काम हुंदा है ना जी, विकास दा काम हुंदा है तो हजारा लखा करोड़ों का ही आता है, ये नहीं आता है कि काम की होना है, ये तो करोड़ों रुपया जो आता है ना जी उसकी बंदर बांट होंगी, उसकी बंदर बांट होंगी है, वो करप्शन होंगे है जी। जो भी कोई बोलता है ना कि हजारा करोड़ रुपए का विकास,
तो हजारा करोड़ रुपए का आपस दे विच मिली भुगत करके वंड लेंदे ने जी, कोई काम नहीं हुंदा है। नहीं तो प्रोजेक्ट के बारे दसना चाहिए है कि असी ए प्रोजेक्ट अजकल देखो पिछले 20 साल तो यह ट्रेंड आया है कि असी 5,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट का काम करा रहे हैं। क्यों जी, तुसी यह दसो ना कि प्रोजेक्ट कौन सा लिया रहे हो, उस प्रोजेक्ट के उत्ते खर्चा की हो रहा है। तो सिर्फ देखो पब्लिक मनी है, पब्लिक दे टैक्स की कमाई है, वो सारा कुछ करप्शन के रूप में सारा खा जाते हैं, इस करके इस तरीके की गल चलती है। कितना नुकसान होया जी पंजाब नु? हां जी, नुकसान होया पंजाब नु। सरकार देखो, सरकार ऑनेस्ट हुंदी है तो रेवेन्यू आउंदा है।